राजस्थान विश्वविद्यालय में आगामी छात्र संघ चुनाव के समर्थन में आज हनुमान बेनीवाल ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विश्वविद्यालय के प्रमुख प्रवेश द्वार पर धरना दिया। यह धरना छात्रों के उच्च स्तर के नेतृत्व के साथ साथ छात्र संघ चुनाव में उनके प्रत्याशिता को मजबूती प्रदान करने का एक प्रयास है। हनुमान बेनीवाल ने जो पिछले वर्षों से छात्र संघ में अपने सामर्थ्य और संघर्ष पराक्रम के लिए प्रसिद्ध हैं, ने धरने के दौरान एक संबोधन में कहा, आज हम यहां पर एक साथ खड़े होकर दिखा रहे हैं कि हमारे विश्वविद्यालय के छात्र एकजुट हो सकते हैं और सहयोग में हम सिर्फ छात्र संघ चुनाव ही नहीं बल्कि विश्वविद्यालय के विकास में भी योगदान कर सकते हैं। जोखिम में डाल दिए, छात्र चुनाव कराने को लेकर अपना जीवन तक कुर्बान करने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे। मैं एक बार उनसे बच्चों से जो पिछले 7 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे, मैं उनसे एक एक बात सबसे हालचाल जमूंगा, सबसे बात करूंगा और मैं अपील भी करूंगा उनसे, बाद में अपील करूंगा दोबारा कि भूख हड़ताल जैसा निर्णय इन निकम्मी नकारा सरकारों के सामने नहीं लेते, लेकिन बच्चों ने जो निर्णय ले लिया कि भूख हड़ताल करके सरकार को झुकाएंगे, मैं आपके साथ हूँ और दोबारा जब मैं आपके पे खड़ा होकर भाषण दूंगा दोबारा ईद शुरुआत है, तब मैं उस बारे में आपसे अपील भी करूंगा। अभी एक बार सारे जो भूख हड़ताल कर रहे हैं बच्चे और जो हमारी बेटियां बैठी है लंबे समय से, उन सबसे एक बार जो संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनसे एक बार पूरी जानकारी ले लूं। अभी यहाँ पे रात दिन छात्रों के लिए दौड़ते हैं तो हमारे को एनएसयू या एबीवीपी हमारे लिए नहीं आती है। जब हमारे ऊपर लाठियां बरसाई जाती है तब एनएसयू या एबीवीपी बीच में लाठियां खाने के लिए नहीं आती है। हम मेहनत कर सकते हैं तो हम बिना कोई पार्टी के चुनाव नहीं लड़ सकते क्या? बिल्कुल साथियों, चुनाव लड़ सकते हैं। इस बार बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल छात्र संघ चुनाव कराने के लिए हमारे बीच चुनाव करा कर यहाँ से खड़े होंगे। इन्होंने आज तक जो अभी छात्र संघ चुनाव पे जो रोक लगी है इसका क्या कहना चाहेंगे? छात्र संघ चुनाव पे जो रोक लगी है वो बहुत गलत है, इसमें गहलोत सरकार का निर्णय है जो छात्र शक्ति युवाओं को दुबारे है। मेरा मानना है इस छात्र शक्ति को जागृत करके और हनुमान बेनीवाल ये जो एकमात्र मर्द है जो इसको चेंज कर सकता है। आएगा हनुमान बेनीवाल बदलेगा राजस्थान, मैं यही मानता हूँ। यही शक्ति आखिरी शक्ति यही दिखा सकती है बीजेपी कांग्रेस को, और कोई नेता नहीं है। भैया आपका कहा नाम? मेरा नाम प्रेम चौधरी है जी। जो इलेक्शन के बारे में जो बहस लगी है क्या कहना चाहेंगे? ये तानाशाही सरकार का एक गलत फरमान है, इसको सरकार को बदलना ही होगा, नहीं तमाम राजस्थान की जो छात्र शक्ति है वो सरकार को करारा जवाब देगी और उसका परिणाम दुष्परिणाम निकलेगा। पूरा छात्र एकता एक जगह होकर पूरे राजस्थान में सड़कों पर उग्र आंदोलन करेगी और चाहे किसी भी सूरत में हम ये छात्र संघ चुनाव करवा के मानेंगे। ये सरकार को झुकना ही पड़ेगा, सरकार मान जाए नहीं माने तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पूरे राजस्थान की छात्र शक्ति एक जगह होके तो सरकार को ऐसा दमार देगी कि ये राजस्थान सरकार के परकच्चे उड़ जाएंगे। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।